हफ्ते में न्यूज़ और इस वक्त की बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं आपको, जो कि आ रही है कल्याण से, जहां कल्याण डोबीवली शहर में मोबाइल चोरी की वारदात दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लगातार मिल रही शिकायतों के चलते कल्याण डीसीपी ने मोबाइल एंटी रॉबर्ट स्क्वाड टीम के साथ मोबाइल चोरों की धरपकड़ तेज कर दी है। पिछले एक महीने में कई मोबाइल चोरों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 77 मोबाइल बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि गत मंगलवार को सभी मोबाइल धारकों को डीसीपी कार्यालय बुलाकर उनका मोबाइल उनके हवाले कर दिया गया था। पुलिस के माध्यम से चोरी हुए मोबाइल वापस मिलने से मोबाइल धारकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। पुलिस द्वारा किए गए इस अनूठे कार्य से मोबाइल धारकों के साथ साथ पूरे शहर में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। सर क्या कहना चाहोगे, आज आपने 70 मोबाइल पकड़े, इसके बारे में क्या कहेंगे? हमारे जोधपुरी के अंतर्गत एक एसीपी कल्याण के अधीन एक एंटी मोबाइल स्नैचिंग स्क्वाड है, उसमें से 4 कर्मचारी हमारे पुलिस स्टेशन के हैं और डीसीपी ऑफिस का एक उसमें एक्सपर्ट है और एक एएसआई है। ये 4 लोगों ने मिलकर एक पिछले महीने में टोटल 77 मोबाइल्स हस्तगत किए हैं, रिकवर किए हैं। ये मोबाइल बहुत जगह से चेन स्नैचिंग हुए थे, पिक पॉकेटिंग हुए थे या चोरी हो गए थे, और सब मोबाइल हम लोगों ने जिनके मोबाइल है वो लोगों को वापस दिया है। और एक महीने में बहुत बड़ी ऐसी कार्रवाई हमारे स्क्वाड ने की है, इसकी उनको एक प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है। देखा जाए सरकार, कल यहाँ पे कल्याण डोंबिवली में काफ़ी मोबाइल चोरी हो रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? मोबाइल चोरी हो जाते हैं ये बराबर है, लेकिन लोगों ने भी मोबाइल को संभालने चाहिए। जो मोबाइल जाते हैं उसमें से 90% मोबाइल हम लोगों ने वापस रिकवर भी किए हैं, लेकिन इसमें थोड़े बहुत कुछ मोबाइल जो बाकी है वो एक दो महीने में हम लोग रिकवर करने के प्रयास। फिलहाल हमारी इस बड़ी खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए सत्यमेव न्यूज़, हमेशा सच के साथ।